हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एशियन गेम्स वुमेन्स T20 मुकाबले की, जो कि दोस्तों ये मुकाबला हांगकांग वुमेन बनाम मलेशिया वुमेन के बीच चीम मुकाबला खेला जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, पिच रिपोर्ट कैसी है, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ है, लास्ट में मैं आपको अपनी फैंटेसी टीम भी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। एंड वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना। फ्रेंड्स, आप लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है फ्रेंड्स, तो काफ़ी अच्छा लगता है। जो हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करता हूँ फ्रेंड्स दोनों टीमों के बीच प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, हांगकांग वुमेन से वेलापून पुल, हिमालयी नताशा मिल्स, द्रुतिया कैरी सान जो कि दोस्तों कैप्टन है हांगकांग वुमेन की, मरियान बीबी, अमंदा वेटिसान, अलसियोन सीओ, अक्सा योसोफ। दोस्तों, आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि हांगकांग वुमेन की प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ फ्रेंड्स मलेशिया वुमेन की प्लेइंग 11 की। वन जोलिया, जेड एस जुल्केफिल, मसलिसा जो कि दोस्तों कैप्टन है मलेशिया वुमेन की, एम एन अजमी, आई जवाइदाया, महिराज इस्माइल, आइना हमीदा, इनो रमिलियान, अरिना नत्सा, डी मोहनन, एंडी सोवदा। दोस्तों, आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि मलेशिया वुमेन की प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ फ्रेंड्स वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट की। तो बता दूँ दोस्तों, ये मुकाबला 19 सितंबर ट्यूसडे को, ये मुकाबला सुबह 11:30 बजे से पिंक फैंग कैंपस क्रिकेट फील्ड में ये मुकाबला चाइना में दोस्तों खेला जाएगा। बात को फ्रेंड्स आगे पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों आपको बता दूं पेसर्स को इस पिच पर ज़्यादा मदद मिलने वाली है। बात करूं वेदर रिपोर्ट की, तो दोस्तों यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा फ्रेंड्स, एंड 1.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। मैच पूर्व की बात करूँ उससे पहले बता दूँ दोस्तों, इस मैच में 500 रुपये का फ्री गिव अवे रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पोसो 11 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जल्द से प्ले स्टोर पर जाइए, अब आप पोसो 11 सर्च करिए, आप वहाँ से पोसो 11 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इस फ्री गिव अवे का आप एंजॉय ले सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट टाइम खिलाते हो तो आपको 50 रुपये का फ्री गिव अवे दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो जल्दी से जाइए पोसो 11 ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बात करता हूँ फ्रेंड्स ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों आपको बता दूँ हांगकांग वुमेन जो कि गुड फॉर्म में रिसेंट मैचेस में, इसके इतने चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पोसो 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस जो कि दोस्तों मलेशिया वुमेन टॉस जीत सकती है एंड पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकती है फ्रेंड्स। मैच एक्सपर्ट वाइज की बात करूं फ्रेंड्स, तो कैरी जान को एज ए स्मॉल लीग में आप कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हो एंड नताशा मिल्स को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों ही खिलाड़ी आपके लिए एज ए स्मॉल लीग एंड ग्रैंड लीग आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे फ्रेंड्स। हेड टू हेड की बात करूँ, दोनों टीमों के बीच एक भी हेड टू हेड मुकाबला नहीं खेला गया दोस्तों, लाइव टेलीकास्ट आप फैन कोड पर देख सकते हो। बात करूँ फ्रेंड्स टीम अपडेट की, तो दोस्तों हांगकांग वुमेन से वेलापून और जो कि ओपन करेंगे दोस्तों, और पुल इमाली जो कि दोस्तों बंडा पोजीशन पर बैटिंग करेंगी, ताशा मिल्स और द्रुतिया जान जो कि दोस्तों मिडिल ऑर्डर बैटिंग संभालेंगी हांगकांग वुमेन टीम की ओर से, कैरी जान जो कि हांगकांग वुमेन की दोस्तों कैप्टन है, साथ ही में एक दोस्तों अच्छे ऑलराउंडर भी हैं, इमाली विकेट कीपिंग करेंगी हांगकांग वुमेन की ओर से, वेटिसान एंड अलसियोन सीओ जो कि दोस्तों फास्ट बॉलिंग करती दिखेंगे आपको हांगकांग टीम की ओर से। बात करूँ मलेशिया वुमेन की टीम अपडेट की, तो दोस्तों वान जोलिया और जोखाला सोफिया जो कि दोस्तों आपको ओपन करते हुए नजर आएंगी, मस एलिसा जो कि बंडा पोजीशन पर बैटिंग करेंगी दोस्तों, मुस्फरा और इंतान जमाहिदा जो कि दोस्तों आपको मिडल ऑर्डर बैटिंग करते दिखेंगी मलेशिया वुमेन टीम की ओर से, मस एलिसा जो कि दोस्तों मलेशिया की कैप्टन है, साथ ही में एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं दोस्तों। बात करूँ वन जोलिया की, तो दोस्तों विकेट कीपिंग करेंगी मलेशिया वुमेन टीम की ओर से, अरिना नत्सा और नूर दोनिया जो कि दोस्तों फास्ट बॉलिंग करती दिखेंगी मलेशिया टीम की ओर से। दोस्तों आप ये टीम अपडेट देख सकते हो जो कि मलेशिया की टीम अपडेट है। बात करता हूँ मैं फैंटेसी टिप्स की, तो दोस्तों टॉप ऑर्डर बैटर आप जरूर पिक करिए, उनके चलने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे एंड डेथ ओवर वाले बॉलर जो बॉलिंग कराएं उनके लास्ट में विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप उनको भी अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट करिए। विकेट कीपर में दोनों सही हैं, आप किसी एक को जरूर सेलेक्ट कर सकते हो, पेसर्स का इस पिच पर जरूर रहने वाला है। विनिंग प्रेडिक्शन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो हांगकांग जो कि ज़्यादा मजबूत दिखाई पड़ रही है एज अ गुड फॉर्म में रिसेंट मैचेस में, इसके जितने चांसेस ज़्यादा बनेंगे। बात करूँ फ्रेंड्स मुख्य खिलाड़ी जो कि हांगकांग वुमेन की हैं जिनको अपनी टीम में जरूर से कर सकते हो, पोल्टो, नत्सा मिल्स, कैरी सान, मैवान बीवी एंड वेटिसान,
एंड आलिशान से यू। दोस्तों आप ये खिलाड़ी देख सकते हो जो कि हांगकांग वुमेन की खिलाड़ी हैं, जिनको अपनी टीम में दोस्तों जरूर से करिए, आपके लिए ये बेस्ट चॉइस रहेंगी। बात करते हैं इस खिलाड़ी जो कि मलेशिया वुमेन के हैं, जिनको अपनी टीम में दोस्तों जरूर से कर सकते हो, जेएस जुल्फी के, मस एलिसा, माहिरा इस्माइल, आइना हमीजा, अरेना नरसाया एंड डी मोहनन। दोस्तों आप ये खिलाड़ी देख सकते हो जो कि मलेशिया वुमेन की खिलाड़ी हैं, जिनको अपनी टीम में जरूर से कर सकते हो। बात करूँ वाइस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों नताशा मिल्स को एज ए वाइस कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, एंड मरियान बीबी को एज ए कैप्टन आप अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर से करिए, आपके लिए बेस्ट हो जाएंगे। वेडिजान एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, एंड माहिरा इस्माइल को एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में जरूर से करिए, आपके लिए बेस्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। आइना हमीजा एज अ कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में एंड एज अ वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में उनको ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स, आपके लिए बेस्ट हो जाएंगे। इंजर्ड की बात करूँ फ्रेंड्स, दोनों टीमों के बीच कोई भी इंजर्ड अपडेट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। अपनी फैंटेसी टीम की बात करूँ फ्रेंड्स, तो आपको बता दूँ विकेट कीपर में जो कि मैंने दोस्तों डब्ल्यू जूलिया को सेलेक्ट किया है, बैट्समैन में मैंने एम एल ईसा, पोल्टो, वी पोन एंड जेड एस जुल्फी को दोस्तों सेलेक्ट किया है, और ऑलराउंडर मैंने दोस्तों ए हमीजा, के शान एंड एम इस्माइल को दोस्तों सेलेक्ट किया है, एंड दोस्तों बॉलर में वी शान, डी मनोनर एंड ए नत्साया को दोस्तों सेलेक्ट किया है। बात करूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो दोस्तों कैप्टन जो कि उल्टू को कैप्टन बनाया एंड वाइस कैप्टन डब्लू जूलिया को वाइस कैप्टन बनाया फ्रेंड्स। जो भी हमारा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स, एंड आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली न्यूज वीडियो में पिक्स एंड आपको सबसे पहले पहुँचे पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।